एक बस में लगभग 250 यात्री और वह भी सामान के साथ बस यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटने से बची। बस में मौजूद थे 230 से अधिक मजदूर। किसान नेताओं ने बस रुकवाकर यात्रियों को बाहर निकलवाया और साथ ही नाश्ते पानी की कराई व्यवस्था। आप देख सकते हैं ये सभी लोग दूर तक जो बैठे हुए हैं ये सब इसी बस के अंदर मौजूद थे। ये सभी सामान जो रखा हुआ है ये भी इसी बस के अंदर भरा हुआ था, मतलब भूसे की तरह इन लोगों को इस बस में भर दिया गया था और जबरदस्ती ठूंस ठांस कर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो ये देखने वाली बात है। और जो ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक के लोग होते हैं, उनकी भी नज़र इस चीज़ पर नहीं पड़ी जो इन लोगों की समस्या को देख पाता और इनकी व्यथा सुन पाता। तो ये अच्छी बात है, यहाँ किसान नेता बैठे हुए थे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर प्रेस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फेवरेट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए अपने क्षेत्र और देश दुनिया की खबरों के साथ जेवर प्रेस। आज सवेरे यमुना एक्सप्रेसवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक बस अचानक पलटने से बच गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने जब जाकर देखा तो पाया कि बस में 230 यात्री सामान के साथ ठूंस ठूंस कर भरे गए थे। जब यात्रियों को बाहर निकाला तो उन्होंने रोकर अपनी व्यथा बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से ड्राइवर और बस मालिक ने उन्हें जबरन डंडे के जोर पर बस में भरा था। किसान नेता महेंद्र सिंह ने उनकी व्यथा सुनते हुए उनके लिए नाश्ते पानी का प्रबंध कराया और उसके बाद जाने के लिए बस की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर हूं और यहां पर एक बस आकर रुकी है और जिस बस में लगभग 250 लोग सवार हैं, एक बस के अंदर 250 लोगों का सवार होना, और ये सभी लुधियाना से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए निकले हैं। समस्या इतनी बड़ी है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 3 ट्रॉली सामान यहां पर रखा हुआ है, 230 लोग बताए जा रहे हैं एक बस के अंदर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इस बस में समाये होंगे। भारत से बोलूंगा, भारत जरा बस दिखाओ, बस की कंडीशन क्या हो रही है। बाइक तक बस के ऊपर सवार है। ये सभी लोग बिहार निवासी हैं। मैं अभी इनकी आप सभी से बात करवाऊंगा, यही ना। तो आप समस्या बताइए, क्या परेशानी सामने आई? समस्या ये है कि 4 तारीख को सर मैं टिकट लिया था, 5 तारीख हो गया, 2:01 जब 1 बज गया बस नहीं दे रहा था। जब मैं बोला कि मैंने पैसा वापस करो, वो थप्पड़ लप्पड़ मारने लगा। मैंने कहा कि तू लीडर बन गया साले सबका। मेरा सरदार भी बोला मेरे बंदे ने पैसा दे दे, कहता तेरा सरदार की कर लूंगा। बोले सरदार जी, मैं ससरी कल करता हूँ सबको, ऐसे मैं लोग कम करूंगा आपको जाके किसान की दिन रात। बोलिए अब इस बस वाले को जल्दी से जल्दी कानून कार्रवाई करिए। थे अब ये लोग अपने गांव जाना चाहते थे, तो वहां से जो इनका ठेकेदार था उन्होंने सभी जो लेबर वर्क के काम करने वाले लोग होते हैं उन सबको बस में भर दिया। एक बस के अंदर 230 लोग प्लस पूरा सामान। लोगों का कहना है कि बड़े प्रताड़ित करके इन्हें बस में भरा गया है। महेंद्र सिंह चौरोली जो किसान नेता हैं, टोल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन्होंने फोन करके इसकी सूचना मीडिया को दी है। क्या आपको क्या पूरा मामला सुनने में आया? देखो, पलटी मारने वाला भैया, समझ में नहीं आ रही कि 230 लोग और ज्यादा भी ना, कम से 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉली सामान ये बस में भर कैसे लिया? लाठी में कितना दम होता है? बता रहे हैं लोग, लाठी दिखाई हमको, रोड दिखाई हमको, गाली दी गई हम पर, लाठी मारी, रोड मारे और तरह ऊपर भर दिए जैसे मवेशियों को भर देते हैं। पर उनसे भी बुरा हाल किया। आज आज इतने दिन आजाद होने के बाद भी देश को, देश की जनता के साथ में क्या हो रहा है समझ में जा रही है? मतलब कहां जाएगा ये देश? आज भी किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। एक बस में 230 लोग और 5-6 ट्रॉली सामान, यहाँ तक देख रहे हो बैग भी है ऊपर, देखो मतलब किस तरह से। हमको जब पता चले, जब यहाँ देखा हमने बस पलट रही है तो हम लोग भागे भाई, क्या बात है कि हेल्प की जाए। तो ये लोग जब बाहर निकले तब भी इनको धोस दी गई कि बाहर नहीं निकलोगे। हमने इनको बाहर निकाला, इनसे पूछा मैंने क्या बात है भाई, जब इनके इतने सारे लोग हैं मतलब क्या हुआ? तब इन्होंने सारी पिता हमको बताई
हमने पुलिस प्रशासन को बुलाया और बस को सीज करवाएंगे, तीन मतलब चार बस और बुलवाइए, ये जहां जाने हैं इनको अपने ठिकाने तक पहुंचाएंगे और बस थाने में रहेगी, बस ड्राइवर कंडक्टर सब थाने में रहेंगे। तो ये इन मजदूर लोगों की जो कि बिहार से पंजाब में काम करने के लिए जाते हैं, उनकी व्यथा है कि जो लोग काम करने जाते हैं और वो अपने घर वापस लौटने के लिए जब कहते हैं तो उन्हें इस तरह से बस में ठूंस कर भर दिया जाता है। जैसे जानवर की भी हालत अच्छी होती है, एक बस के अंदर 230 लोगों का होना, कीड़े मकोड़ों की सी हालत इन बस में भर के कर दी गई। हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? बोल रहा था बिहार का आदमी कीड़े मकोड़े हो ऐसे बोल रहा था और सरिया लेके मार मार के ठूस रहा था सर। जो भी टिकट दिए थे वो भी टिकट सर वो ले लेकर दिया नहीं, टिकट जमे नहीं, धक्का मार मार के अंदर लाठी चार्ज के। देखिए इसके हाथ की हालत आप देख सकते हैं, ये भाई के चोट लगी हुई है हाथ पे और इनका कह रहा है कि सरियों से डंडों से मार मार के इस बस में भरा गया है। तो ये व्यथा है उन लोगों की जो मजदूर लोग हैं आजाद, ये आजाद हिंदुस्तानी कहानी है। आज भी लोगों के साथ में जनावर जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये काफी अमानवीय है, बहुत ही निंदा करने वाला है उन लोगों के साथ। ये सभी लोग अपने त्योहार के लिए अपने घर जा रहे हैं और इनके साथ ऐसी दुर्दशा होना ये निंदनीय है। हाँ यहाँ पर जब ड्राइवर को बोले कि दूसरा बस मंगाओ नहीं तो बस हम बस में आग लगा देंगे, हम लोग बोला धोस देने लगे चलो जाते तुमको मारेंगे, अभी ड्राइवर बोल रहा है ये सब किसान का। तो यहाँ किसान नेताओं ने किसानों ने इनके लिए अब बोला है कि जो लोग हैं इन सभी को इनके घर तक खाना बनना है, इनका तसल्ली से आओगे भाई अपना खाना वाना खा के इसमें बसा लेंगे तुम्हारी, मतलब तसल्ली से भेजा जाएगा आपको। तो तसल्ली करी जाएगी। चौधरी साहब कह रहे हैं कि इन सबके लिए खाने नाश्ते का प्रबंध किया जाएगा, बाकी बसें बुलवाई गई हैं और बस बुलवाने के बाद में इन सभी को इनके घर तक इनके सिटी तक जहाँ तक भी जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं भाई साहब वो मेरे साथ हैं, जरा जरा बता दें थोड़ा सा। देखिए क्यों आप लुधियाना से आ रहे हैं सर जी? तो इतनी ये लोगों का कहना है कि आपने ज़्यादा सवारियां भर रखी थी, आपने क्यों कर रखा था सर? भाव जी अब क्या कर सकते हैं, कोई मजबूरी में, मेरा भी ससुर पूरा हो गया था, मजबूरी में ही जा रहा हूँ। तो ड्राइवर साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं है, इधर उधर बसते नजर आ रहे हैं। ड्राइवर साहब बता दो, तो ड्राइवर साहब उधर अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं। मतलब ये काफी शर्म की बात है कि एक गाड़ी के अंदर तुमने लोगों को भूस की तरह भर दिया और अब हम कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आप भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसको बस में भरते हुए शर्म नहीं लगता था इनको है? बस में भरते हुए शर्म नहीं लगता था इनको। हाँ, अब मुंह छुपा के, अब मुंह छुपा रहा है, तभी भर रहा था बोरी की तरह। मैं बोला तो बोरा चुप हो जा, डंडा दिखा रहा था, टिकट कैंसिल भी नहीं कर रहा था, पेशाब करने के लिए भी बोलता था ना, रोकने के लिए तो गाली से ही बात करता था, रहने के लिए क्यों रुकेगा? बस पलटी करने का था ना, तब मैं खोलने का कहा था मैं बाहर बताता हूँ, यहाँ पर मैं भी बोला कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है बताता हूँ तेरे को। ये नहीं कर रहा था ताकि हमको भी ना मार दे, इसके डर के मारे दूसरे बंदे का दूसरे सपोर्ट नहीं कर रहा था, हमको देखे यहाँ पर भी सरिया लगा था, धक्का मार कर रहा था ना, उसमें मोटे तगड़े बंदे था, बहुत मोटा तगड़ा था वो। हम तो बोल रहे हैं उसको यहाँ लाया जाए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से लोगों को इस चीज के एक शिक्षा मिले और इस तरह की एक्टिविटी ना हो। कितना कितना टिकट कितना लिया इसने वहाँ से? किसी से 2000 लिया, किसी से 2100, किसी से 1800, किसी से 1500, किसी से 1600, किसी से 1300। हम लोग को भीमपुर फाड़ी का लिया 1600, किसी से 1300, ऐसे ऐसे किसी से ज्यादा, किसी से सामान का भी पैसा लिया, किसी से नहीं भी लिया। 15 आदमी एक ही साथ में था, 30,000 रुपए लिया है। यही कहना, 15 आदमी एक साथ में था 30,000 और 3 तारीख का ही टिकट है हम लोगों को। जब बस के लिए बोला तो उसने बोला 2 बजे आ रहा है बस, अभी 2 घंटे रुक जा बस आ रहा है, फिर बोला 3 बजे रात में आ रहा है, फिर उसके बोला 10 बजे सुबह में है, फिर बोला अभी आ गया आधे घंटे खाना होना खा लो। इसने बस में ऐसे जगह भेड़ बकरी की तरह बैठा के दूसरे पैसा लिया, इंसानियत की तरह जितना पैसा लिया वो पैसा लो लेकिन बैठाओ सही से, जितना बंदा बांटता है बस उतना बिठाओ, ज्यादा क्यों बिठा रहे हो? हम लोग का कहना का ये, तो ये लोग लुधियाना से काम करने के लिए आते हैं, पटना से लुधियाना जाते हैं बिहार से काम करने के लिए और उसके बाद में इनकी ये दुर्गति हो तो ये काफी शर्मनाक है। जो इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफिस वाले जितने पैसे मांगते हैं हम लोग देते हैं लेकिन हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलता है सर।
बोरिंग तरह भर दिया जाता है बस में। और सर हमारे हमारे बंदे जो है वहाँ जो है जहाँ ये बस नहीं पकड़ा है वहाँ हमारे बंदे बाहर में लेट गया, उसके पास कैमरा भी था। मैंने बोला जो पैसे कौन निकाला है कैमरे में थोड़ा सर्च कर लो, उसने कैमरा सर्च नहीं किया, इसका मतलब उसी का आदमी था, तभी तो कैमरा। 16,000 रुपया हमको पॉकेट से निकाल के ऐसे 16-17 हजार रुपए हमारे तीन चार निकाल। ठीक ठीक।